डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बीपीटी थ्योरम प्रूफ करना सिखाऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक्स भी सिखाऊंगी जिससे आप आसानी से बीपीटी थ्योरम सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है स्टेटमेंट है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एबीसी एक ट्रायंगल है, अगर एक लाइन वन साइड के पैरेलल ड्रॉ किया गया, मीन्स अगर मैं बीसी साइड के पैरेलल डीई लाइन ड्रॉ करती हूँ, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, बाकी दोनों साइड्स में ये लाइन डी और ई में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या होता है, डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। इसका मतलब है कि ये ए बी और ए सी जो साइड्स है इसका रेशियो सेम रहेगा, मीन्स ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, जो हमको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम ई एफ को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और डी जी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी। चलिए आगे अब मैं आपको प्रूफ करना सिखाऊंगी। प्रूफ करने के लिए देखो हमको क्या करना है, ये ए डी साइड दिया, ए डी निकालना है, ए डी। अब आप ये देखिए ये ए डी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ए डी ई, तो इसके लिए बस हमको क्या लेना पड़ेगा ना, एरिया लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब आप जानते हैं ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये आप यहाँ हाफ लिख दीजिए, बेस ये देखिए ए डी यहाँ लिखा है ना, आपको ए डी लिख देना है, और हाइट ये देखिए ई एफ, आपको ई एफ लिख देना है। फिर आपको क्योंकि ये रेशियो लिखा है, अब डी बी है, ये देखिए डी बी, डी बी कौन से ट्रायंगल के साइड में आएगा, डी बी ई में आएगा, तो यहाँ आपको लिख देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, सेम हाफ का हाफ लिख देना, आपको यहाँ डी बी है डी बी लिख देना है और ई एफ लिख देना है। अब मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक्स कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, ये ए डी है तो आपको ट्रायंगल ए डी ई लेना है, डी बी है तो आपको ट्रायंगल डी बी ई लेना है, आपको ए डी और डी बी यहाँ लिख देना है, ए डी के ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर ई एफ, तो आपको दोनों में ई एफ लिख देना है। ओके, ये कट हो जाएगा, आपका बचेगा ए डी बाई डी बी। सिमिलरली अब ए ई बाई ई सी के लिए हमको देखिए, ए ई हमको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए ई के लिए ए डी हम लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, सेम हाफ इंटू, अब हम क्योंकि ए ई बेस है हम ए ई बेस लिखेंगे, इंटू हाइट लिखेंगे डी जी। अब यहाँ पे ई सी के लिए, ई सी के लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, डी ई सी, जस्ट हाफ का हाफ लिखना है, ए की जगह नीचे क्या है ई सी है, और डी जी का डी जी ही लिख देना है आपको, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपका बचेगा ए ई बाई ई सी। अब देखिए आपका ए डी बाई डी बी आ गया, ए बाई ई सी आ गया। अब आपको सिर्फ इन दोनों इक्वल करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा, आप वो स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई भी दो ट्रायंगल का बेस सेम होता है तो उनका एरिया सेम होता है। आप देखिए ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई तो सेम है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी सेम नहीं है। लेकिन आप देखो डी बी सी और डी ई सी, ये देखो डी बी ई और डी सी ई, ये देखिए इनका बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। तो आपको बस यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देना है, वो स्टेटमेंट मैं आपको लिख के बता रही हूँ, ट्रायंगल्स लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, बस लिख देना है और आप लिख दो, सो ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, प्रूव्ड। ये आपका बी पी टी थ्योरम प्रूव हो गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।